आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां वक्त बेहद कीमती माना जाता है, वहां बहुत से लोगों को कुत्ते, बिल्लियां और परिंदे पालना एक बोझ और जिम्मेदारी महसूस होता है। लोग अक्सर सफर में रहते हैं और कभी कभार उनके पास पालतू जानवर रखने का वक्त ही नहीं होता, पर उनके मन में ऐसी ख्वाहिश मौजूद जरूर रहती है। आज एक्वेरियम ऐसी चीज बन गई है जिसे बहुत से जवान लोग एक हॉबी के तौर पर रखने लगे हैं। एक्वेरियम दो तरह के हो सकते हैं, ताजे पानी वाले और समंदरी पानी वाले। समंदरी पानी वाले एक्वेरियम बहुत ही शानदार और खूबसूरत लगते हैं। अलबत्ता समंदरी मछलियों को ज्यादातर कोरल रीफ से हासिल किया जाता है और उनमें से कई स्पीशीज आज खतरे से घिरी हैं। 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कोरल, कई तरह के मोलस्क और कुछ किस्म की मछलियों के कारोबार पर बंदिश हैं। इसके अलावा उन्हें पालने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो महंगा होता है और उसके लिए तकनीकी महारत भी चाहिए। ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर के एक्वेरियम तो बहुत ही दिलचस्प होते हैं। इनका रख रखाव आसान है और ये हर तरह के मौसम में बखूबी ठीक ठाक बने रहते हैं। एक्वेरियम बनाने के सिलसिले में पहला कदम ये है कि सही किस्म के फिश टैंक को चुना जाए। ज्यादातर लोग एक्वेरियम बनाने के लिए चौकोर टैंक चुनते हैं। इस काम के लिए फिश बोल से परहेज किया जाए, क्योंकि इनका सतही इलाका छोटा होता है जिससे मछलियों को सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। पहला कदम है एक ऐसा एक्वेरियम चुनना जो हमारी जगह के हिसाब से हो। इसका साइज कम से कम 24x12x12 इंच होना चाहिए। इसके पीछे वाले हिस्से में सीनरी भी होनी चाहिए ताकि टैंक थोड़ा रंगीन और खूबसूरत लगे। इसके बाद टैंक में बजरी को आगे की तरफ ढाल करते हुए डाला जाए। इसके अलावा अगर आप बॉगवुड या पत्थर वगैरह पसंद करते हो तो उन्हें भी रखें। टैंक में आधी ऊंचाई तक डीक्लोरिनेटेड पानी भरें। डीक्लोरिनेटेड पानी वो होता है जिसमें क्लोरीन न मिली हो, इसलिए सरकारी नल से आने वाले पानी को बाल्टी में एक रात के लिए रख दें। अगर पानी बोरवेल का हो तो इसे सीधे ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहां भी ध्यान रखें कि पानी खारा ना हो। आप बजरी में बूटों को रोप दें। इसके बाद एक क्लीनिंग फिल्टर लगाएं। पानी की हरारत को कंट्रोल करने के लिए थर्मोस्टेट वाला हीटर लगाएं। एक थर्मामीटर लगाएं। एक डिफ्यूजर के साथ एयरेटर लगाएं। अब टैंक को पानी से ऊपर तक भर दें। अब इसमें अपनी मनपसंद मछलियां डालें। पहले मछलियों वाले प्लास्टिक बैग को टैंक में रखें। मछलियों के एक्लेमेटाइज हो जाने के बाद उन्हें धीरे धीरे टैंक में छोड़ दें। ये बहुत जरूरी है कि आप सही किस्म की मछलियों को चुनें। जिन सबसे आम किस्म की मछलियों को रखा जा सकता है वो हैं गपीज, गोल्डफिश, एंजल्स, टेट्राज वगैरह। अगर किसी को मछली पालने का शौक हो तो ऐसा शख्स ज्यादा बड़े लैंडस्केप वाले टैंक को चुन सकता है। इस तरह के टैंक के लिए जरूरी इक्विपमेंट के साथ साथ कई तरह की मिट्टी और बूटों की जरूरत होगी। इस तरह के टैंक को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्से में मिट्टी रखी जा सकती है और दूसरे में सुनहरी रेत। बॉगवुड या सजावटी लकड़ी के जरिए इन्हें अलग अलग रखा जा सकता है। टैंक में कई किस्म के बूटे लगाए जा सकते हैं ताकि उसमें लैंडस्केप जैसा नजारा बन जाए।
आज कई किस्म के इक्विपमेंट, गैजेट और टाइमर के साथ दस्तयाब हैं, ताकि आपका टैंक ठीक तरह से काम करता रहे। एक्वेरियम की रोजमर्रा की देखभाल में मछलियों को खिलाना। अगर आप ज्यादा सफर में रहते हैं तो ये काम टाइमर के जरिए भी किया जा सकता है। टैंक को साफ सुथरा बनाए रखना। उसमें से सूखी या सड़ती हुई पत्तियों को आप निकाल दें। मलबे को हटाने के लिए साइफन का इस्तेमाल करें। शीशे से एल्गी या दूसरी फालतू की चीजें साफ कर दें। मछलियों की जांच करें कि उन्हें कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। ये जांच करें कि पानी की हरारत सही हो और सारा इक्विपमेंट ठीक ठाक काम कर रहा हो। हर हफ्ते सबसे अहम काम यह है कि आप कुछ हद तक पानी को बदलें। टैंक में से 20% पानी को बाहर निकाल दें और उसकी जगह नया पानी भर दें। पौधों की कटाई छंटाई करें। आपको जो एहतियात बरतने चाहिए वो इस तरह से हैं। रोशनी और मछलियों के टैंक के पानी की हरारत या उसकी क्वालिटी को एकदम से न बदलें। मछलियों को हाथ से न पकड़ें। उन्हें बड़े आहिस्ता से एक नेट के जरिए उठाएं। टैंक में मछलियों की ज्यादा भीड़ न करें। देखिए फिश, हमारे परिवार में फिश कीपिंग का जो शौक है वो जब से हम छोटे थे तब से ही है। मेरे फादर साहब ने सबसे पहले हमारे को एक टैंक ला के दिया था छोटा, हम उसमें छोटे मछली रखते थे। फिर ग्रेजुअली जैसे हम बड़े हुए वो हॉबी थोड़ा बढ़ता गया। तो एक वो डेकोरेटिव पीस से जो स्टार्ट हुआ था वो बढ़ते बढ़ते एक ऐसा शौक हो गया कि उनके बिना हम सोच नहीं सकते हैं। देखिए डेली बेसिस पे सबसे ज़रूरी चीज़ तो है फीडिंग। जो बहुत बड़े साइज़ की फ़िश होती हैं उनको तो आप कई बार होता है कि आप 3 दिन में एक बार भी खाना दे दीजिए वो एक बार में ज़्यादा खा लेते हैं। लेकिन आपकी छोटी फिश होती हैं जैसे सिकलेट्स हो गई या डिस्कस हो गई, उनको दिन में 2 बार खाना देना होता है। तो 2 बार फीडिंग करनी तो बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा एक चीज़ और जो डेली ज़रूरी है वो है फ़िश का बिहेवियर और स्विमिंग पैटर्न ऑब्ज़र्व करना। अगर पानी में थोड़ा सा अमोनिया या गंदगी बढ़ जाती है जिससे पता लगता है कि पानी चेंज करना है, तो आपको पता लग जाएगा कि फ़िश की बॉडी, उसकी रिएक्शंस, उसके फिन्स अगर वो ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो आप वाटर चेंज कर दीजिए। जैसे अगर आप पहाड़ों में रख रहे हैं एक्वेरियम, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है थोड़ी नॉर्मल जगह से, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आजकल बहुत एडवांस क्वालिटी के हीटर्स आते हैं जिनमें थर्मोस्टैट भी इनबिल्ट होता है। आप बस उस फिश की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से 24, 26, 28 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर चाहिए हो वो सेट करके छोड़ दीजिए। फुली ऑटोमेटिक हीटर है, वो पूरी सर्दी उसका ध्यान रखेगा। बस आपको ये मॉनिटर करना है कि साथ में एक थर्मामीटर ज़रूर लगा दीजिए क्रॉस चेक करने के लिए कि वो डिवाइस आपका थर्मोस्टेट काम कर रहा है कि नहीं। टैंक में आप कौन सी मछलियाँ रखते हैं और उन्हें किस तरह रखते हैं ये आपकी पसंद पर मुनसर है। आप जिस तरह की मछलियाँ रखना चाह रहे हैं उनकी ज़रूरियात के बारे में जानना बहुत अहमियत रखता है। कानून से वाबस्ता होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर कोई आपने एग्जॉटिक या बड़े साइज़ होने वाली फ़िश रखनी है या कोई भी फ़िश रखनी है जो थोड़ी सी आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो, तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि पहले उसके ऊपर थोड़ी सी इंटरनेट पर रिसर्च करिए। इंटरनेट पर कई वेबसाइट्स अब आ चुके हैं जहाँ पर हॉबीज़ जो होते हैं आके एक दूसरे से ओपिनियन शेयर करते हैं। तो आपको साइंटिफिक नेम पता करना चाहिए, आपको उसका देखना चाहिए कि मैक्सिमम साइज़ क्या है, वो पानी फ्रेश वाटर चाहती है या पानी उसको ब्रैकिश चाहिए जो कि जहाँ पर नदी ओशन से मिलता है वो होता है ब्रैकिश वाटर। प्लस आपको ये भी चेक करना चाहिए कि वेदर इट इज़ एंडेंजर्ड और नॉट। अगर वो एंडेंजर्ड है या बैन है उसके ऊपर तो वो चीज़ें फिर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर कई ऐसे लोग होते हैं जो इलीगली लाई हुई चीज़ें बेचते हैं। और इंटरनेट पर आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो बंदा आपको कोई चीज़ ऑफ़र कर रहा है अगर आप उसकी रिसर्च नहीं करेंगे तो आपको वो चीट भी कर सकते हैं।
जैसे आपको एक सबसे कॉमन जो होता है, आपको एशियन एरोवाना के नाम पर ऑस्ट्रेलियन एरोवाना दे दी जाती है, जिनके प्राइस में कम से कम नहीं तो 30 गुना का फ़र्क तो होता है। तो इसीलिए इन चीज़ों में जैसे एशियन एरोवाना जैसी फ़िश है कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें उसका यूनिक टैग नंबर होगा, उसके ब्रीडर का नाम होगा, एड्रेस होगा और उसका डेट भी होगा। सो अगर एशियन एरोवाना जैसी फ़िश आप ले रहे हैं जो कि हाईली एंडेंजर्ड होती है, तो उसमें आप एक रिकमेंडेड रिकॉग्नाइज्ड ब्रीडर से ही लें और सर्टिफिकेट और टैग नंबर के बिना ना लें। मछली पालने का शौक रखने वाले कुछ लोगों के लिए मछली की एक किस्म ही जुनून बन जाती है और वो इनकी ब्रीडिंग करने लगते हैं। आजकल का दुनिया ऐसा है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, पूरा भाग दौड़ टेंशन। आप घर में आके कुछ नहीं, आप रिलैक्स करें, 10-15 मिनट अपना मछलियों को देखो, आपको टेंशन वगैरह सारी पूरी हो जाती है। क्योंकि ना ये फिश ऐसा थोड़ा डेलिकेट फिश है, इसका पानी बिल्कुल साफ पानी चाहिए और पीएच 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। और डिस्कस रखने में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि पानी चेंज करना। मैं हर रोज़ मेरे टैंक से कम 20-30% पानी चेंज करता हूँ। और एक है टेम्परेचर, एक स्टेबल टेम्परेचर इसको हमेशा देंगे ना, दे विल ग्रो अप वेरी गुड वेरी गुड, एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अ फिश टू कीप। बागों में मौजूद तालाबों में कुदरती इकोसिस्टम बन जाते हैं, उन्हें देखरेख की ज्यादा जरूरत नहीं होती और उनसे हमारे आसपास खूबसूरती में इजाफा होता है। आज मछलियों को पालना आसान है, बाजार में मछली का खाना, कई तरह की मशीनें और ताजे पानी की मछलियों की ढेर सी किस्में मौजूद हैं। मछलियों से हमें सुकून हासिल होता है, काम के लंबे दिन के बाद वो हमें राहत मुहैया कराती हैं। कई तरह के इक्विपमेंट के दस्तयाब होने की वजह से हम हर तरह के मौसम में मछलियों को पाल सकते हैं, क्योंकि किसी एक्वेरियम में एक मुकम्मल इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। इससे किसी कमरे या दफ्तर की खूबसूरती बढ़ती है और इससे हमें रूहानी सुकून भी हासिल होता है, एक ऐसा सुकून जो सिर्फ जानवर ही दे सकते हैं। जानवरों के साथ हमारा इतना करीबी रिश्ता है कि आज बहुत से लोगों ने और कई किस्म के जानवरों को पालतू जानवरों के तौर पर रखना शुरू कर दिया है। ये मेरी सबसे प्रिय घोड़ी है, इसका नाम हीरोइन है। इसकी ब्रीड जो है वो शेटलर पोनी है, ये विदेशी ब्रीड है। बच्चों के साथ तो ये बहुत पॉपुलर है। इसकी देखभाल भी हमें ऐसी करनी पड़ती है जैसे एक बच्चे की करते हैं, बल्कि बच्चे से भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा तो बड़ा हो जाता है। और इसकी उम्र आप जान सकते हैं कितनी है? इसकी उम्र है 11 साल, और 11 साल की उम्र में भी ये इतनी ही रहेगी। इसको हम घरों में रख सकते हैं, विदेश में तो इसे एज ए पेट ही रखा जाता है घरों में। गर्मियों में हम इसको जल्दी बाहर नहीं निकालते हैं, बहुत ज़्यादा शाम के वक्त ही निकालते हैं। सर्दियों में जैसे आपने देखा कि जिस तरह से सर्दियाँ आ रही हैं, तो इन्हें हम ग्रेजिंग के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जितना इन्हें खुला छोड़ेंगे उतना ही ये खुश रहते हैं। बच्चे खरगोशों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और कई घरों में उन्हें छोटे छोटे आउट हाउसेस में रखा जाता है। खरगोश बहुत नाजुक जानवर होते हैं और उन्हें लगातार देखरेख की जरूरत होती है। खरगोश रखने के सिलसिले में उनके पिंजरे की लगातार सफाई
और बढ़िया खुराक दो जरूरी बातें हैं। ये रैबिट्स जो है बहुत ही प्यारे जानवर होते हैं, बट काफ़ी डेलिकेट भी होते हैं, तो थोड़ा सा स्पेशल केयर करने की ज़रूरत है, ताकि जो इनकी बीमारियां हैं, मेनली जिसमें पेट की बीमारी है या इनको स्किन की बीमारी हो जाती है या इनके पैर में वो छाले या हड जिसको बोलते हैं वो पड़ जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा केयर करेंगे, जैसे इनका जो हड है या इनका जो बॉक्स है जिसमें हम रखते हैं उसको साफ़ से रखेंगे, जो गंदा हुआ एनवायरनमेंट रहता है जिसमें रहते हैं वो गंदगी, उसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो हम बचा सकते हैं अगर हम इसके इस हट को साफ़ रखें। जो इसकी जो इसका फीड है, जैसे आपने कहा कि गाजर है या फूलगोभी है या कोई सा भी दूसरा चीज़ दे देते, जब भी उसको दे दें थोड़ा साफ़ करके दे दें ताकि पेट की बीमारियों से बचा जाए। और तीसरी बात, दिन में कभी भी इसको बाहर छोड़ दे, थोड़ा सा आउटिंग करेगा जो इसके पैर है या इसके बाकी मसल्स है वो टोन अप हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ़ पड़ती है, बारिश होती है, तो ये जानवर को ठंड लगती है, तो इनसे इनको बचाना है। क्या करना है कि जो इन जगह है जिस पे हम इनको रखते हैं उसको तेज़ जो हवा है या आंधी है उससे बचाए, और जो बेडिंग है इनकी वो थोड़ी सी अच्छी दे दे, थोड़ा सा नीचे घास डाल दे, घास के ऊपर हमने एक गनी बैग डाल दिया या कोई ऐसा भी गर्म सा कपड़ा डाल दिया जिससे ये अपने आप को गर्म रख सके। अगर इनका बॉडी टेम्परेचर अच्छा होएगा तो चांसेस है कि जो प्रॉब्लम्स है वो कम आ जाए। गुदगुदे और बालदार खूबसूरत गिनी पिग भी जानवर पालने वालों को खूब लुभाते हैं। लेटली तो इनकी डिमांड बहुत इंक्रीज हुई है क्योंकि इनकी पॉपुलरिटी भी बहुत बढ़ गई है। बेसिकली आप इंटरनेट के ज़रिए और टीवी के कुछ चैनल हैं उनके ज़रिए जो स्मॉल पेट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड तो बिकते ही थे, तो अब बेसिकली साउथ अमेरिका से हैं इनकी ओरिजिन जो है, और ईजी भी हैं, बहुत क्लीन। आप देखो ये इसको रखना, पेट करना, इसको आपने इधर रख सकते हैं, इसको बेसिकली इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फूड आप इसको डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, और आप अपने काम पे जाना है 10 घंटे के लिए इनको छोड़ सकते हो पिंजरे के अंदर, आप घर आएँ उसके साथ प्ले कर सकते हो, खुला छोड़ सकते हो उसको। ये इनकी बेडिंग है जो एक वुड शेविंग्स की बनी हुई है, जो चिप्स होते हैं वुड चिप्स, ये पाइन और 2-3 अलग अलग फ्लेवर्स में आते हैं, तो ये पाइन की है, पाइन की क्योंकि स्मेल अच्छी होती है। सेकंड, ये इसमें एंटी बैक्टीरियल चीज़ें भी डाली होती हैं और सोक बहुत अच्छा करती हैं, इनके यूरिन वगैरह जो करते हैं एकदम राइट वे सोक कर लेती हैं। ये इनका फूड है जो बेसिकली सीड्स नट्स उससे बना होता है, इसके अंदर विटामिन सी के जो फॉरफिटेड होता है विटामिन सी डाला जाता है इसके अंदर। आज एक और ब्रीड लोगों में खासी मकबूल होती जा रही है, ये हैं हैमस्टर्स। ये बहुत ही मिलनसार बर्ताव वाले होते हैं, इन्हें बहुत कम देखरेख चाहिए और ये छोटी जगहों में भी रह लेते हैं, इसलिए बहुत से कामकाजी लोग खासकर अपने बच्चों के लिए इन्हें पालतू जानवरों के तौर पर रखते हैं। अब ये हैमस्टर हैं, ये एक डिफरेंट स्पीसी में आते हैं, ये एक चूहे की कैटेगरी में आते हैं, इनको बालों वाला चूहा भी कह सकते हो। ये सीरिया से हैं, एक ठंडे जगह से हैं, ये ज़्यादा प्लेफुल हैं, इनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे व्हील आता है इनको बीच में डालो तो ये व्हील पे चढ़ते हैं, और छोटे छोटे ये टनल्स में जाना पसंद करते हैं, जैसे ये कि है ऑलरेडी टनल में घुसा हुआ है, ये नई नई जगह घुसने के शौकीन हैं। ये एक टेरिटोरियल है जो एक अपनी अपना जगह बना लेते हैं, दूसरे को आएगा वो लड़ता है उससे, उसने अपनी अपनी एरिया बना लेते हैं, और ये इनके लिए भी अलग केजेस आते हैं, इनका फूड भी अलग आता है, इसके लिए भी सेम बेडिंग सेम यूज़ करनी पड़ती जैसे गिनी पिग्स के लिए होती है। विंटर में, सर्दियों में इनका क्लाइमेट जो है इनको थोड़ा बचाना पड़ता है, और गर्मियों में ना एक्सट्रीम ना गर्मी इनको पसंद है ना एक्सट्रीम इनको सर्दी पसंद है, सो एक कम्फर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं जो कम्फर्टेबल हो। और ये भी एक कम जगह लेने वाले पेट्स हैं जो इंटरैक्टिंग पेट्स होते हैं, आप अपने साथ में लेके घूम सकते हो, अपनी जेब में डाल के उसको घुमा सकते हो।
ऐसे भी लोग हैं जो इगुआना और पिग्मी हेजहॉग जैसी गैर मुल्की किस्मों को हासिल करके उन्हें पालते हैं। चमेली गरम हो गई है। बस पेट भर गया, सही बच्चे हैं जी। मेरा जानवरों से प्यार जो है वो तो बचपन से है। मैं अमेरिका गया था, मैं वहाँ से लाया इसे। ये कहलाती है बेयर्डेड ड्रैगन। ये जो है ये फीमेल है मेरे पास। इसका मेल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत होता है, उसमें लाल रंग की कुछ धारियाँ होती हैं। मुझको ये पसंद इसलिए आई कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और फैसिनेटिंग सी चीज़ है। वैसे इसकी डाइट में गाजर है, बीन्स हैं, सलाद के पत्ते हैं, इस तरह की चीज़ें खाती हैं। ये अपने मालिक को ज़रूर पहचानती है और इसको खाना देने वाला जो होता है उसको ये पहचानना शुरू कर देती है और फिर ये बेखौफ उस आदमी के साथ उसके हाथ पे, उसके पैरों पे घूमती फिरती है। इसको गर्मी चाहिए और जिस गर्मी के लिए इसके लिए एक कैबिनेट बनाना पड़ता है जिसके अंदर स्पेशल लाइटिंग होती है और उस लाइटिंग में इसको रखें थोड़ी देर, उससे ये ठीक रहती है। अफ्रीकन पिग्मी हेजॉग कहलाता है। ये पिग्मी इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका फुल ग्रोन साइज़ यही है। ये मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि ये बड़ा फ्रेंडली होता है और इसके साथ शाम के वक्त आप काफ़ी खेल सकते हैं। ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है और कैट फूड दिया जाता है इसे और साथ में पानी की सप्लाई इसके पास रहनी चाहिए क्योंकि ये पानी बहुत पीता है। जनाब रफत खान जैसे कुनबे अनूठे हैं जहां तोते, बिल्लियां और पिग्मी हेजहॉग एक साथ रहते हैं। अलबत्ता आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि पालतू और नई तरह के जानवर रखते वक्त हम एहतियात बरतें। नए नए किस्म के जानवर रखने की मांग बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से ये खदशा पैदा हो गया है कि हम अनजाने में कहीं ऐसे जानवर न पाल लें जो खतरे से घिरे हों या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जिन्हें पालने की इजाजत ही न हो। साइटीज यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की फेहरिस्त जांच लेना बहुत जरूरी है ताकि हम जानवर की जिस किस्म को पाल रहे हैं उसका रुतबा पता चल जाए। देखिए, हिंदुस्तान में जहाँ तक हम पेट्स रखने की बात करते हैं अलग अलग कानून हैं, बट जो सबसे अहम कानून जो है हिंदुस्तान का वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। इस कानून के तहत जो आपको जंगली जानवर जो हैं उसमें रखना मना है और आप किसी भी तरीके की जानवर की खरीद फरोख्त या उनको रखना सख्त जो है कानून के ख़िलाफ़ है और जिसमें कार्रवाई हो सकती है। बट जहाँ तक एग्जॉटिक स्पीशीज़ का सवाल है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और उसका नाम है साइटीस। वो एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें 176 से ज़्यादा मुल्क उसके हिस्सेदार हैं और हिंदुस्तान भी उस ट्रीटी को साइन करे हुए है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे स्टार टॉर्टोइज़ हैं, ये एक ऐसी स्पीशीज़ है जो हिंदुस्तान के बाहर जाती भी है और जो हिंदुस्तान में जिसका लोग बाहर से दूसरी स्पीशीज़ ऑफ स्टार टॉर्टोइज़ जो लेके आते हैं। साइटीस के तहत इसका सख्त से सख्त इसमें सज़ा हो सकती है क्योंकि इसमें जो है साइटीस में इसका स्टार टॉर्टोइज़ जो है वो अपेंडिक्स वन में आता है जो कि कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे ही और एग्जॉटिक स्पीशीज़ जितनी भी आप बात करते हैं तो अगर आप लाने से पहले ये इंश्योर कर लें
कि वो एक साइटीज परमिट हो, जहाँ से आप ला रहे हैं उस कंट्री ऑफ ओरिजिन का आपके पास एक परमिट हो, और जो भी आप स्पीशी लाए हैं उसके बारे में आप पहले प्रोसेस अपने पेपर्स करवाएं। कानून तौर पे अगर वो इजाज़त होगी तो आप लेके आ सकते हैं, नहीं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। जानवरों को पालना एक मजेदार, जज्बाती और सेहत के लिए मुफीद तजुर्बा है। इनके जरिए काम के लंबे दिन के बाद हम अपने तनाव को खत्म कर सकते हैं, और ये हमारे सही जज्बात को भी बढ़ावा देते हैं। जानवरों के जरिए हमारे घरों में प्यार और दिल लगी का एहसास पैदा होता है। ये हमारे बेजुबान दोस्त हैं। घर में एक्वेरियम रखते वक्त इन बातों को याद रखें। ये यकीनी बनाएं कि आपके पास एक अच्छा टैंक हो। फिश बॉल के इस्तेमाल से परहेज करें। टैंक में एक फिल्टर, एरेटर और एक हीटर लगा होना चाहिए। जो किस्में आप पालना चाहेंगे उनके बारे में अच्छी तरह जानें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और साइटीज के कायदे कानून से बाखबर रहें।